नमस्कार, मैं विजय जोगगुरु विजय शर्मा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जो फ्री जॉब अलर्ट के नाम से है, उन्हीं की वेबसाइट से जो है वो प्रमोटेड है। तो आप लोगों को वहाँ पर जानना है और उस चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारी सरकारी नौकरियाँ, किसी भी स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर फील्ड की जॉब आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको टेक्निकल करना है इलेक्ट्रिकल का, हरियाणा जीके करना है, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जैसे फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ALM का एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल कैंसिल हो चुके हैं, तो वो एग्ज़ाम जल्दी होने की संभावना है कि लगभग ये बता रहे हैं कि जैसे ये कोरोना का जो आतंक है वो ख़त्म हो जाए, देन उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास महीने डेढ़ महीने का टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहूँगा जो लाइनमैन के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, उसी के आधार पर पूरा का पूरा पेपर जो है वो रहने वाला है, तो आप लोगों को मिस नहीं करने चाहिए पूरे वीडियो। देखो, मैं दो टाइप के वीडियो करवाऊंगा आप लोगों को, एक तो हरियाणा जीके का और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी का, ठीक है। दो टाइप के वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली कोशिश करूंगा दो वीडियो डेली आप लोगों को अपलोड करवाऊँ, एक हरियाणा जीके के जो इंपॉर्टेंट है। देखो, ALM का पेपर मैंने खुद देकर देखा है, तो मुझे पता है कि उस पेपर का लेवल कैसा आएगा। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो पेपर कैंसिल हो गया, तो आपको पता लग जाए कि किस हिसाब से पेपर आएगा, तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करें। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे करूँगा, हरियाणा जीके भी करवाऊँगा प्लस थ्योरी करवाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को आप लोग पूरा देखें और उस चैनल को आप लोग ज्वाइन करें, वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, तो एक तो क्वेश्चन पूछा गया था भाई हरियाणा में प्रथम के बारे में, ठीक है, हरियाणा में प्रथम। इंपॉर्टेंट सारी फैक्ट्स जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हरियाणा में प्रथम, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्या थे हरियाणा में, इसके बारे में पूछा है। तो जैसे हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, अगर आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, प्रथम राज्य कवि आपसे पूछ ले, तो वो है उदय भानु हंस, ठीक है, उदय भानु हंस, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं ना, उन सारों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा, तो आप लोग बने रहें बस, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा की पहली फिल्म जिसने हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी ऐसी मूवी है जिसके अंदर हरियाणवी भाषा का जो यूज हुआ है, तो वो है धरती। पहली फिल्म जिसमें हरियाणवी भाषा का यूज हुआ है, ठीक है, तो वो मूवी थी धरती। अब इस पे एक क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, ये पूछ सकता है कि जो धरती मूवी है वो कब बनी थी, तो वो बनी थी भाई 1968 के अंदर, ठीक है, धरती मूवी जो थी वो 1986 के अंदर आई थी, ठीक है। दूसरा फिल्मों पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कि दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि पहली सफल फिल्म कौन सी थी, और एक क्वेश्चन बनता है कि पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी। अगर आपसे पूछ ले कि पहली फिल्म कौन सी थी, देखो ये जो मूवी थी ये एक शॉर्ट मूवी थी, ठीक है, तो वहीं पर पहली फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, पहली फिल्म, पहली फुल फिल्म थी वो, फुल फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, जाट जुलानी ये मूवी थी। और ये मूवी कब आई थी भाई, 1970 में, ठीक है, 1970 के अंदर ये मूवी आई थी। नेक्स्ट पूछते हैं कि पहली सफल फिल्म कौन सी थी, नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कि सफल फिल्म, पहली के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा, तो आज हरियाणा के प्रथम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहली अगर सफल फिल्म पूछ ले आप लोगों से, तो पहली सफल फिल्म कौन सी थी भाई, बहुरानी, बहुरानी। और बहुरानी जो मूवी है वो कब आई थी, तो 1983 के अंदर आई थी। और वहीं पर आपसे पूछ ले सफलतम, ठीक है, सफलतम, सफलतम मूवी अगर आपसे पूछ ले, तो वो थी भैया अपनी चंद्रावल। और चंद्रावल कब आई थी, इससे एक साल बाद आई थी, चंद्रावल, चंद्रावल उससे एक साल बाद आई थी, कि यानी कि 1984 के अंदर आई थी। ये भैया सुपर डुपर हिट मूवी थी, और ये मूवी कौन सी थी भाई, हिट मूवी थी, ठीक है। और पहली फिल्म पूछ ले, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है।
क्लियर है आप लोगों को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सफलतम हीरो कौन है हरियाणा फिल्म के, तो वो जगत जाखड़, आप लोगों ने इसके बारे में नाम सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा की प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र, ये भी क्वेश्चन जो है वो एलम के अंदर आया था कि प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र, तो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था भाई, ये हरियाणा के नाम के ऊपर ही था हरियाणा। और कब प्रकाशित किया गया था, कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो जज्जर से प्रकाशित किया गया था और दीनदयाल शर्मा ने प्रकाशित किया था। ठीक है, हरियाणा झज्जर से प्रकाशित हुआ था, झज्जर से प्रकाशित, और दीनदयाल शर्मा ने क्या किया था, दीन दयाल शर्मा ने प्रकाशित किया था, याद रखना। एक बार दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ, प्रथम राज्य कभी पूछ ले तो उदय भानुहंस से पहली फिल्म जिसने हरियाणवी भाषा का यूज हुआ तो वो थी भाई धरती मूवी। ये एक शॉर्ट मूवी थी जो 1968 के अंदर आई थी। पहली फिल्म, फुल फिल्म आपसे पूछ ले तो हरफूल सिंह जाट चुलानी जो 1970 के अंदर आई है। सफल फिल्म पूछ ले बहुरानी, सफलतम पूछ ले चंद्रावल, प्रथम समाचार पत्र जो है हरियाणा, और दीनदयाल शर्मा ने इसका प्रकाशन किया था, और झज्जर से इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो ये थी सन्नो देवी। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है सन्नो देवी। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो सन्नो देवी, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी पूछ ले तो यही होगी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी भाई, सन्नो देवी ही थी। नेक्स्ट दे रखा है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पुरुष अध्यक्ष, अगर प्रथम पुरुष अध्यक्ष पूछ ले, पुरुष अध्यक्ष, तो वो थे भाई राव वीरेंद्र, राव वीरेंद्र। ठीक है, प्रथम पुरुष कौन थे, राव वीरेंद्र थे, प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो वो थी भाई सन्नो देवी। नेक्स्ट दे रखा है हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा सदस्य, प्रथम महिला विधानसभा सदस्य, महिला विधानसभा सदस्य, अगर ये आपसे पूछ ले तो ये होगी चंद्रावती, और प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ ले तो जेके दुग्गल, चंद्रावती। अब ये क्वेश्चन एक आया था इसके ऊपर कि वर्तमान में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया था, पर देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कौन है, करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे थे, तो जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो तो थे जे के दुग्गल, पहले चुनाव आयुक्त जे के दुग्गल। ठीक है, जे के दुग्गल थे। और अभी आपसे पूछे थे अनुराग अग्रवाल के बारे में पूछा गया था, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो अनुराग अग्रवाल होगा। अगर आप लोगों ने अपना मिलाया होगा तो आपको पता लग जाएगा कि 14 तारीख का जो पेपर था उसमें दे रखा था, तो अनुराग अग्रवाल आएगा। नेक्स्ट दे रखा है प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप, प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल सिंह, प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह, प्रीतम पाल सिंह जो थे वो प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट दे रखा है हरियाणा का पहला कॉलेज था, पहला कॉलेज कौन सा, पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक, पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज, और ये कॉलेज कहाँ पर है भाई, तो ये कॉलेज जो है वो रोहतक के अंदर है, और ये रोहतक के अंदर कब बना था, 1927 में। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि पंडित नेकीराम कॉलेज जो है वो कब बना, तो 1927 के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज बना था रोहतक के अंदर। नेक्स्ट पूछा है हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ पर स्थापित की गई, तो आर्य समाज की जो प्रथम शाखा थी वो रेवाड़ी में स्थापित की गई
1880 के अंदर यानी कि 1880 के अंदर आर्य समाज की जो पहली शाखा है वो रेवाड़ी के अंदर स्थापित की गई। नेक्स्ट लिखा है कि हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ पर स्थापित की गई, तो हरियाणा में सनातन धर्म की जो पहली शाखा है वो जज्जर के अंदर 1886 ईस्वी के अंदर लगाई गई। नेक्स्ट दे रखा है हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो अगर पहला विश्वविद्यालय आपसे पूछ ले तो KU की यानी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो है वो पहली विश्वविद्यालय थी। और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कब बनी थी भाई, 1856 में, ठीक है, 1856 में KU के बनी थी, ठीक है। और ये क्या थी, पहली यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की, 1856 में बनी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, और है कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी, हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला, ठीक है, और कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा की पहली पर्वतारोही कौन सी थी, तो पहली पर्वतारोही थी संतोष यादव, कितनी बार चढ़ी थी, 2 बार, ठीक है, और ये कंटिन्यू चढ़ी थी 10 मई को, डेट आप मेरे को मेंशन करके बताओगे कि कब कब चढ़ी थी, ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी है कि पहली बार भी 10 मई थी और दूसरी बार भी 10 मई थी, सेशन कौन सा था, सन कौन सा था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट दे रखा है हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान जो है वो बाडसा झज्जर के अंदर है, ठीक है, पहला कैंसर संस्थान बाडसा झज्जर। बाड़सा झज्जर, ठीक है, बाड़सा झज्जर के अंदर है हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान। नेक्स्ट दे रखा है कि हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था, एक बात बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 में, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, उस टाइम पर राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1977 को, और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, श्री BD जती। नेक्स्ट है तीसरा कब लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 6 अप्रैल 1991 को, राष्ट्रपति कौन थे, एस वेंकट रमन के समय में तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक भाग इसका किया है, दूसरा भाग जल्दी करेंगे, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन मंगलमय हो, और अपने घर में रहें, सिर्फ लाइव वीडियोज़ देखें, कोई भी ऑफलाइन क्लास जो है वो आप लोग ज्वाइन ना करें, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोग ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अपने घर में रहें, सारे के सारे सतर्क रहें, और हैंड वॉश बहुत ज़्यादा बार करें, लगभग 10 से 20 बार दिन में कम आप लोग करें, तभी आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और जिसको खांसी जुकाम हो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी आप लोग बनाए रखें। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहें, सावधान रहें, जय हिंद।